चल रहा है, दो बनाए मैंने, पहला पहला वाला भी है, दूसरा वाला भी है, एक तो मैंने रिटेक के लिए बना रहे हैं। फिर तो कट गया। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दानू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं अपने आप अपने फ्रेंड से मिलाऊंगा आपको। ये है अशोक भाई, अशोक भाई आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ अशोक चंद्र। हम लोग आज यहाँ ब्लॉगिंग करने आए हैं, ये हमारे जसपाल भाई का फर्स्ट ब्लॉग है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, और ये हमारे अमित भाई भी देख लो आप। ये देखिए, हमें हमारे अमित भाई हैं, ये गढ़वाल के निवासी हैं, और ये पॉलिटेक्निक करते काशीपुर से। हम सभी बता दूं कि हम सभी फ्रेंड्स हैं और सब अलग अलग ब्रांचेस के हैं। ये सिविल का है, मैं भी सिविल का हूँ, और ये हमारे केमिकल इंजीनियर हैं। तो आज हम स्कूल पे ऐसी मॉर्निंग प्रैक्टिस पे आए हैं दौड़ने, और हमारा एनसीसी का भी ड्रिल है, तो पेपर है। सो गाइस देखिए, ये हमारे स्कूल का क्रीड़ा स्थल है, और ये हमारे स्कूल के ये मुख्य गेट है, और ये देखिए काफ़ी बड़ा स्कूल है, कॉलेज, ये कॉलेज है। देखिए ये देखिए, ये देखिए छात्रावास, ये अशोक भाई रनिंग कर रहे हैं, और ये अमित भाई भी रनिंग कर रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और ये अमित भाई भी अभी दौड़ने में ही हैं। ये देखिए, ये रनिंग के बाद अब दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये देखिए, और दोस्तों आप भी सुबह सुबह रोज़ एक्सरसाइज करिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और योगा हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए, अब ये दोनों डिप्स मारने लग गए। ये देखिए, सो गाइस अब हम अपने कॉलेज के एनसीसी ब्लॉक की ओर घूम रहे हैं, और हम आपको अपने कॉलेज का पूरा, ये देखिए गाइस हमारा ये कॉलेज का परिसर है। दो आपको कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और बहुत जल्दी हमारी फ़र्स्ट पेमेंट भी आएगी। जिस दिन फर्स्ट पेमेंट आएगी, हम आपको पूरा बताएंगे कि हमने कितनी मेहनत करी है अपनी फ़र्स्ट पेमेंट के लिए। सो गाइस, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट पक्का करना। और कोई भी स्टूडेंट अगर पॉलिटेक्निक में आना चाहता है काशीपुर के, तो इसलिए उसके रिगार्डिंग आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हो, उसके कौन सी ब्रांच या फिर कौन सी ब्रांच के टीचर कैसे हैं। सो गाइस हम बता देंगे आपको, कमेंट में मैसेज करना। अब हम आपको अपना एनसीसी ब्लॉग दिखाएंगे, और जो बच्चे एनसीसी लेना चाहते हैं वो एनसीसी भी लिख सकते हैं। और मैंने भी एनसीसी लिया यहाँ पे, और मेरा भी एनसीसी बी का एग्ज़ाम है 5 और 6 मार्च को। तो हम आपको अपना एनसीसी ब्लॉग दिखाते हैं। लगभग 10:30 हो गया है, और आज हमारा कॉलेज का फर्स्ट दिन है, मेरा 6th सेमेस्टर का, और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, तो उसके बाद हम पास आउट हो जाएंगे। वैसे आज हमारा सर्वे कैंप है, तो इसलिए अभी हमें 10:30 जाना पड़ रहा है, और काफ़ी देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। वैसे स्कूल में फ़ोन अलाउड टू है, बट अभी मैं कोई वीडियोस शूट नहीं करूँगा कॉलेज की बच्चों की। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अशोक भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने कॉलेज का? कब वैसे हमारा कॉलेज 1 महीने से बंद था, और आज हमारा ये लगभग 1 महीना 5 दिन हो गए हैं, उसके बाद ही हम कॉलेज जा रहे हैं, हमारे पेपर थे इससे पहले। तो अशोक भाई भी कल या परसों रूम पर पहुँचे हैं, इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, इनका कैसे रहा 1 महीना घर पर थे। हाँ तो दोस्तों, जो है मैं जो है कॉलेज 1 दिन पहले ही जा चुका हूँ, तो आज जसपाल भाई पहले दिन जा रहे हैं अपने कॉलेज। सो अभी हम घर पहुँच रहे हैं, अभी मैंने खाना खाया, और मैं अभी फटाफट कपड़े वपड़े चेंज करे, लगभग 10-20 मिनट लग गया था। तो अभी हम 4:30 के लगभग हो गया, और सुबह हम कॉलेज 11 बजे चले गए थे हम कॉलेज, और बस अभी हम पहुँच रहे हैं रूम पे। और आज लिटरली इतना दिमाग ख़राब हो गया हमारा प्रैक्टिकल में, बहुत लेंथी प्रैक्टिकल था, क्या सर्वे कैंप था, जो सिविल जिन्होंने सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है वही समझेंगे प्रैक्टिकल कितना ही कठिन होता है। तो अभी मैं पहले तो अपनी एनसीसी की प्रिपरेशन करता हूँ, 5 या 6 तारीख को हमारा पेपर है एनसीसी बी का, तो लेट्स मैं अभी अपना प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करता हूँ बढ़िया से। और थोड़ा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस वीडियो, और हम आपको कल या परसों अगला व्लॉग डालेंगे। डेली व्लॉग करना बहुत कठिन है, क्योंकि हम रोज कॉलेज जाते हैं और छुट्टी बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं हो पाता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर अपने पढ़ाई को कम डिस्टर्बेंस देते हुए हम आपके लिए व्लॉग बनाएंगे। तो थैंक यू।